हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं जैकेट का कुछ नया बनाना सिखाऊंगी आप सबको। सो आप सब मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये पुरानी जैकेट है। सो इसका यूज़ हम किस तरह से करेंगे, क्या बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सब आप लास्ट तक रहिएगा वीडियो में, तभी ये समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, मेरे पास ये पुरानी जैकेट थी। सो मैंने इसको सोच रही हूँ कि इस ठंडी में, इस ठंडी तो पार हो गई, बट जो नेक्स्ट ठंडी आएगी उसमें हम इसका यूज़ तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाएगा और इसका यूज़ तो हम करेंगे नहीं। सो इसका मैं कुछ और ही कर लूँ। सो फ्रेंड्स, अब इसकी जो स्लीव्स हैं इसको कट कर लेंगे और फ्रेंड्स चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें ना करके हम काम पे ध्यान देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी स्लीव्स जो कट है इसको हम कट कर लेंगे दोनों साइड से और इस तरह से, ये देखिए। और ये जो अंदर का पार्ट है ये ब्लैक है और ऊपर का येलो, ये कलर जो है बहुत ही अच्छा है। और इसके जो कॉलर है इसको भी हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये फ्रेंड्स, इसके जो धागा था, जो सिलाई की गई है, बहुत ही मजबूत थी। सो खुल नहीं रही थी तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। सो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये कट गया। अब यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे, कोशिश करेंगे पहले खोलने की, खुलेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको हम कट करेंगे। ये देखिए, इसका जो चैन है इसको भी हम इस तरह से, देखो ये निकल गया इस तरह से, ये नहीं निकल रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनकी जैकेट है, या बड़े ही हो कोई, आप सबकी कोई भी जैकेट हो, तो उसका रीयूज़ किस तरह से करें, या आप अगर पुरानी हो गई है नहीं कर सकते हैं, नहीं पहनना चाहते हैं, तो उसके अंदर का जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है। सो उसका यूज़ किस तरह से करेंगे इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी कट कर लेंगे क्योंकि हमें अच्छा सा पार्ट चाहिए इसके लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप सबके पास हो तो आप ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, इसको इस तरह से मैंने जो बैक पार्ट है उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया। ये फ्रंट का टू साइड का जो पार्ट है, यहाँ जहाँ पे पॉकेट लगी है, ये देखिए, ये हमारा पीछे का पार्ट जो है निकल के तैयार हो गया। अब बस इस पे हम जो है इसको सीधा सीधा इसकी कटिंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इस साइड भी इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी कटिंग कर ली है, चारों साइड से कर लेंगे ताकि ये छोटा बड़ा और टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे, इक्वल टाइप में दिखे। सो फ्रेंड देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। सो अब हम जो फ्रंट का पार्ट है, ये देखिए, इसको खोल के देखो, इसमें जो पुराने कपड़े होते हैं उसी का यूज़ किया जाता है इसमें भी। सो देखिए कितना ही अच्छा सॉफ्ट सा ये दिख रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड, जो आगे का पार्ट है उसको भी हम अच्छे से उसी के साइज़ में कट करेंगे इस तरह से, और इसको चारों तरफ से हम इसको सीधा कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो थोड़ा भी आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, अब इसको हम इस तरह से इसको बराबर में रखेंगे और इसी के नाप का इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसी के साइज़ का इस तरह से करके इसको हम इसकी कटिंग करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, इसकी कटिंग इस तरह से हम कर दिए। और फ्रेंड्स, जो फ्रंट का सेकंड पार्ट था उसको भी इसी तरह से, सेम इसी तरह से मैं कट करूँगी
ये देखिए, ये जो सेकंड पार्ट है सेम इसी तरह से हम इसको कट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई जैकेट हो तो आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट को भी कट कर लेंगे यहाँ पे इसी के एकदम साइज़ का, क्योंकि दोनों एकदम बराबर साइज़ के रहेंगे तभी अच्छा लगेगा और बराबर आएगा स्टिचिंग करने में। सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके भी बता दीजिएगा कैसा लगा। अब इसको हम इस तरह से बराबर शेप में इसको कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है और अब यहाँ से भी हम इसको बराबर शेप में कट कर देंगे। ये देखिए हमारा पीछे का पार्ट, ये जो पॉकेट लगी थी ना, इसको हम इस तरह से कट कर देंगे ताकि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा अच्छा रहे, इधर उधर ना हो। अभी देखिए मैंने सारा पार्ट कट कर लिया है और इस तरह से इस साइड में रखेंगे जो इक्वल हो। देखिए अब मैं इसको सुई से सिल दूँगी। आप सब मशीन भी चला सकते हैं बट ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, और मशीन से ना करके सुई धागे से करेंगे। जिसके घर में मशीन नहीं है, सुई धागे ही हैं, तो इसको बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं आप सब। और इसको हम सुई से ही कर रहे हैं और मोटा धागा यूज़ कर रहे हैं, सुई में मोटा धागा, क्योंकि जो पतला धागा होता है मज़बूत नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, हम मोटे धागे का यूज़ कर रहे हैं और आप सब सिलाई भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके घर में सिलाई है, टाइम कम लगता है ऐसे मशीन से सिलने में, सो फ्रेंड्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ और ये देखिए इस तरह से पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ से सिलाई हो रही है। थोड़ा हार्ड पड़ रहा है बट बहुत अच्छे से इसकी सिलाई हो रही है फ्रेंड्स। और इसको बराबर से रख करके इस तरह से छोटे छोटे टांके लगाएंगे ताकि पता ना चले और ना ही खुले जल्दी, और धुलने में भी आसानी रहे हम सबको कि धुलने और टांका जो ब्रश में होता है वो फंसे ना ना टूटे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको ले रही हूँ। अब ये फ्रेंड्स देखिए हमारा ये बनके तैयार हो गया है। यहाँ लास्ट का पार्ट एकदम बचा हुआ है, अब इस पर हम स्टिच करेंगे इस तरह से, और इस पर हम इस तरह से इसको हम यहाँ पे टांके लगा गट्ठी लगा देंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से, अब यहाँ पे थोड़ा सा खुल गया है बट मैं ऊपर से ये एक सिलाई लगा दूँगी ताकि ये दिखे ना अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है देखने में। और मैं सेकंड पार्ट इस पार्ट में इस साइड भी इसी तरह से लगाऊंगी ताकि ये देखिए इस तरह से रखेंगे और फिर इसमें भी स्टिच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने भी सिलाई लगा दी। ये देखिए इसमें भी लग गई सिलाई। सो फ्रेंड्स, ये देखिए बनके हो गया तैयार। थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है बट कोई बात नहीं, ये हमारा छोटी सी जैकेट थी और उसमें इतना अच्छा सा बनके हमारा तैयार हो रहा है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे
येलो समीज थी मेरी, और मैं इस पे पट्टी लगाऊंगी इसी कपड़े से। सो इसको इस तरह से हम इस पे सिलाई करेंगे। पट्टी तो आप सबको पता ही है ना किस तरह से लगती हैं, उसी तरह से आप सबको इस तरह से लगाना है। और छोटे छोटे टाँके लगाने हैं, बड़े टाँके नहीं लगाने हैं, और डबल धागे की सहायता से, क्योंकि जब मोटा धागा रहेगा तो हमारी ये जो पट्टियाँ हैं ये खुलेगी नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बनके तैयार हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बना है क्या है, ये है डोरमेट। सो फ्रेंड्स देखिए बनना है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सॉफ्ट लग रहा है, और इसमें जो येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आप सब ज़रूर ट्राई करिए। फ्रेंड्स कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं आप, कोई भी चीज़, कितना सुंदर देखने में लग रहा है फ्रेंड्स। देखिए इसकी सिलाई कितनी अच्छी हुई है। सो फ्रेंड्स देखिए इसको छोटे बच्चे भी इस पे बहुत अच्छे से बैठ सकते हैं, चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ ये देखिए फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये आगे का पार्ट भी और पीछे का पार्ट भी। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सो फ्रेंड्स ये बैक साइड जो है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।